नमः शिवाय। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक सर्वगुण संपन्न अत्यधिक धैर्य वाले सम्मान और प्रतिष्ठा पाने वाले होते हैं। स्वभाव से बहुत ही संवेदनशील और आध्यात्मिक होते हैं। उनके अंदर गुस्सा नाक पर ही होता है। यदि सहयोगी लग्न रहा तो ये प्रतिभावान और जिंदगी में सफल होंगे। मेष राशि वाले जातक आज मानसिक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे, क्योंकि चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं। व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा। किसी सरकारी अधिकारी का सहयोग मिल सकता है जो कि व्यावसायिक उन्नति में सहायक होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, मगर घरेलू और पारिवारिक तनाव हो सकता है। सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बना हुआ है। हनुमान जी की आराधना करें या ओम हंग हनुमते नमः का मानसिक जप करें। आज आपके प्रयास सफल होंगे। अपेक्षित मात्रा में मित्र बंधुओं से सहयोग मिल सकता है। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता बनी हुई है। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। अच्छे अच्छे कामों में खर्च हो सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। शुक्र अस्त चल रहे हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आज स्वास्थ्य संबंधी असंतुष्टि बनी हुई है। नसों या त्वचा से संबंधित शिकायत उभर सकती है। मानसिक रूप से भी थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं। संतान पक्ष से अनुकूलता बनी हुई है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता बनी हुई है। कार्य व्यवसाय ठीक चलेगा। कहीं बाहर जाने का प्रसंग बन सकता है और यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। माँ दुर्गा की आराधना करें या गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी हुई है। पहले से चली आ रही कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने का प्रयास करें। पारिवारिक या व्यावसायिक रूप से कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी या कार्यभार संभालने का मौका मिल सकता है। धैर्य रखकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते जाएं। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल है। पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव बना हुआ है। विशेष तौर से पेट संबंधी समस्याओं और जोड़ों में जकड़न हो सकती है। फिर भी पारिवारिक संतुष्टि का एहसास होता रहेगा। कार्य व्यवसाय रुक रुक कर चलेगा। मित्र और सहयोगियों से सहयोग बना हुआ है। सूर्य देव की आराधना करें या ओम घृणे सूर्याय नमः का दिन में मानसिक जप करें। अभी आपका स्वास्थ्य और काम करने की सक्रियता प्रभावित है। व्यावसायिक पक्ष मजबूत है। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। भाइयों से अनुकूलता बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में भी अनुकूलता बनी हुई है। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। तुला राशि वाले जातकों को पहले से चली आ रही झुंझलाहट की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता पहले से बढ़ी हुई होगी। पारिवारिक सुख संतुष्टि महसूस करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान के प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय में अनुकूलता बनी रहेगी। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए आपका समय अनुकूल चल रहा है। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। आपके अंदर विश्वास क्रमशः बढ़ता जाएगा और ऊर्जावान महसूस करेंगे, मगर पारिवारिक तनाव अभी बरकरार रहेगा।
धन आगमन से ज्यादा खर्च की स्थिति बनी हुई है। परिवार बच्चों पर भी खर्च का योग बना हुआ है। कार्य व्यवसाय में अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। अभी भी आपके कुछ काम रुक रुक कर संपन्न होंगे। हनुमान जी की आराधना करें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें। अपने धैर्य पर काबू रखें और अनावश्यक वाद विवाद से बचें। मन में झुंझलाहट ना लाएं। स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा। धन संबंधी अनुकूलता बनी हुई है। प्रवास या संतान पर कुछ खर्च हो सकता है। कहीं छोटी यात्रा पर जाने का योग बना हुआ है। कार्य व्यवसाय अनुकूल चलेगा। भाइयों से सहयोग मिलता रहेगा। हनुमान जी की आराधना करते थे। आँखों के संक्रमण से बचें। अभी भी धैर्य बनाकर रखें। घर में पारिवारिक असंतुष्टि का माहौल बना रहेगा। मानसिक संतुष्टि में कमी आएगी। व्यावसायिक पक्ष मजबूत है। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। नई योजनाओं को बल मिलेगा। शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। अपने अंतरात्मा की आवाज को अनदेखा ना करें। लाभ मिलता जाएगा। हनुमान जी की आराधना और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। अपने और पत्नी के स्वास्थ्य पर खर्च की स्थिति बनी हुई है। ध्यान दें, स्वास्थ्य कुल मिलाकर मध्यम रहेगा। व्यावसायिक उन्नति का समय चल रहा है। शासन सत्ता से सहयोग मिलता रहेगा। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले में अनुकूलता बनी हुई है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान के प्रति अतिरिक्त दायित्व महसूस करेंगे। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। अनुकूलता बनी रहेगी। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। व्यावसायिक पक्ष मजबूत है। धन संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। संतान के प्रति चिंता बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में लाभ मिल सकता है। केले के पौधे में जल डालें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करें। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।